योगी सरकार ने किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने का फैसला लिया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे से फसलों के जो आंकड़े प्राप्त होंगे उससे प्रदेश के किसानों के लिए योजनाएं बनाने में बहुत सुविधा मिलेगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे में मास्टर ट्रेनर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एग्री स्टेक डिजिटल क्रॉप सर्वे की पड़ताल जिला और तहसील स्तर के चयनित मास्टर ट्रेनर से कराएगा। इसके लिए उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देश के जिन 12 राज्यों को चुना गया है उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इस सर्वे से सरकार और किसान सभी लाभान्वित होंगे। एग्री स्टेक एक डिजिटल फाउंडेशन है। सरकार ने इसे देश में कृषि में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों को आसानी से एक साथ लाने और डेटा डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने, किसानों के लिए बेहतर योजनाओं का नियोजन तथा विभिन्न सेवाओं तक किसानों की सुगम पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए स्थापित किया गया है। अब जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या होंगे। किसानों को उनके खेत में बोई गई फसल के उत्पाद की बिक्री के लिए अपने अभिलेख का सत्यापन कराने से मुक्ति मिल जाएगी। फसल के उत्पाद की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में आसानी होगी। फसल नुकसान की स्थिति में किसान को वास्तविक क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण होगा। समय समय पर किसानों को उनकी फसल विशेष के लिए सलाह प्रदान की जा सकेगी। फसल के वास्तविक उपज के आकलन के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से क्रॉप कटाई एक्सपेरिमेंट का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। आपदा के दौरान फसल नुकसान होने पर राहत व अनुदान का समयबद्ध सर्वेक्षण कर राहत वितरण किया जा सकेगा। विरुद्धपुर प्रभात खबर यूपी प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।